हाय केम छो, वेरी गुड इवनिंग. હું ચરણ તના ભટ્ટ, એડિટર gujaratilimited.com. હાજર છું તમારી સાથે ફરી એકવાર વાતો કરવા માટે અને એક નવા મહેમાન સાથે. આજે આપણી સાથે જોડાવાના છે જેનિફર મિસ્ત્રી બંસીવાલ. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના અઢળક ફેન્સ છે, એટલે તમે બધા જ જાણો છો કે આપણે આજે કોને મળવાના છીએ, શું વાત કરવાના છીએ. બટ યસ, વી આર ગોઈંગ ટુ આસ્ક જેનિફર અબાઉટ લોટ ઓફ અધર થિંગ્સ, કારણ કે એક બહુ જ જોરદાર ડાન્સર છે અને એમને બીજા પણ કેટલાક ઇન્ટરેસ્ટિંગ શોખ છે જેના વિશે આપણી સાથે આજે વાત કરવાના છે. હાય હાય ચરંતના, હાઉ આર યુ? આઈ એમ ફાઇન, તમે કેમ છો? હાઉ આર યુ? આઈ એમ ગુડ, સુપર્બ. First class. We all are first. You can class. Hear me? I'm audible? Perfect. I'm audible nicely. Okay. You can hear me? मुझे बहुत yeah. Perfect. So first of all, thank you very much. Gujarati Mitte is really thankful to you that you joined for this live today. आपके busy schedule में से आपने वक्त निकाला. Thank you so much for this. Trust me, मैंने पिछले मेरे ख्याल से 5 months में लाइव नहीं किया है. इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मतलब नहीं मुझे करना ही नहीं, मैं बोर हो गई, मैं पक गई हूँ, मुझे नहीं करना है. सो बहुत 5 महीने बाद मैं लाइव कर रही हूँ. ओह गॉड, चलो तो आई थिंक दर्शिका को भी थैंक यू बोल देते हैं कि दर्शिका ने आपसे बात की, लाइव किया एंड आप कन्विंस हो गई. सो यस, डबल थैंक यू टू यू फॉर दैट. थैंक यू. सो हम पहले शुरू करते हैं बात कि लॉकडाउन कैसा रहा आपके लिए. How was it? मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम रहा. इतना अच्छा, एवरी मोमेंट आई हैव लिव्ड एवरी मोमेंट, ट्रस्ट मी. मतलब जब लोग बोलते थे कि हम टेंशन में हैं, फलाना ढिकाना, बीमारी, ये वो, पैसा नहीं, काम नहीं, घर पे बैठे, मुझे 100% ऑपोजिट फील हुआ है. आई जस्ट लिव्ड एवरी मोमेंट. मतलब मेरे लिए मेरा ऐसा लगता था लॉकडाउन खत्म ही ना हो. इतना अभी भी ऐसा है कि बट अब सेटल हो गया नेचुरली बिकॉज आई स्टार्टेड शूटिंग एंड ऑल. बट मुझे यही लगता था कि ये तो दिस वाज द मोस्ट ब्लिसफुल टाइम ऑफ माय लाइफ, कि आई डिड सो मेनी थिंग्स, स्पेशली बीइंग विद फैमिली. आपकी बेटी के और आपके डांस वीडियोस हमने देखे हैं, दे आर क्यूट. शी इज सो क्यूट और वो कितनी एक्सप्रेसिव है. मतलब वो जिस उसके जो मेरे लिए भी वो सरप्राइज था, मुझे भी नहीं मालूम था. मेरे लिए भी बिकॉज शी इज लर्निंग कथक फॉर लास्ट 2 years. बट ऐसे ही मैंने लॉकडाउन में ना कि थोड़ा टाइम पास करते हैं, चल अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरी भी प्रैक्टिस होगी करके कि फिर ऐसे ही मैंने एकदम बोला, वीडियो बनाएगी, बोले हाँ ओके हाँ हाँ करके वो टाइम पास भी हुआ, बनाया भी एंड एवरीथिंग. यू नो, इट वॉज रियली गुड. इट वॉज सो गुड. So, you know, please tell us about yourself. कैसे ये acting कैसे हुआ? आप पारसी हैं तो क्या आप पारसी थिएटर में एक्टिव थी? कैसे ये acting कहाँ से आपकी जिंदगी में, acting कहाँ से enter हुई? Acting दूर दूर तक मेरी मेरे life में नहीं थी. I was a complete बिल्कुल normal housewife till 2003. So, मेरी शादी हुई थी 2001 में, then 2004 में we came to Mumbai. तो 2003 में it happened के we were in, after marriage we were in Chennai for 2.5 years, my husband and me. Then उस टाइम पे फिर मैं बहुत बोर होती थी क्योंकि मेरे मायके में हम like we were 16 people at home. तो कम हो कि भी 4-5 जन तो हमेशा घर में रहते ही थे, और यहाँ पर सडनली एकदम अलग शहर, नया जन, हस्बैंड ना ऑलमोस्ट 14-15 hours ऑन, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन, तो वहां पर चले जाते थे एंड कोई बात करने वाला नहीं, ऊपर से लैंग्वेज नहीं मालूम, यू नो तमिल आती नहीं, वहां सब तमिल में बात करते थे. मेरी जो सर्वेंट आती थी उसको तक एक वर्ड भी इंग्लिश नहीं आता था, एक वर्ड भी हिंदी नहीं आता था. तो हमारा 2.5 साल तक सिर्फ दम शिराज चला है, हम ऐसे ऐसे ही होता था. सो इट वाज उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम यार इतनी एक्टिव थी शादी से पहले, यू आर डूइंग यू नो कथक तुमने सीखा है, थिएटर कर रही थी मैं नादिरा बब्बर जी का थिएटर, उसके बाद मतलब वो मैं बताती हूँ. पहले मैंने एमपी से हूँ मैं, जबलपुर से, तो वहां पर मैंने थिएटर किया था. तो उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा कुछ करो, तो मैंने ऐसी एक उस टाइम पे एक मैगजीन हाथ में मिली, ग्रेट करके, GR8, शशि और अनुरंजन की मैगजीन है जो इनका ग्रेट अवार्ड्स भी रहता है. सो उनकी मैगजीन में ऐसा कुछ
टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट था, तो मैंने ऐसी फोटो भेज दिया उसमें, तो फर्स्ट उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे फोटो उसमें आया, और ऐसे के योर फोटोज आर ऑन द डेस्क ऑफ एकता कपूर, सुभाष घई, महेश भट्ट, फलाना, ऐसे सब लिखा था. बट दैट डिमांडेड मी टू कम टू मुंबई, यू नो, बिकॉज आई वॉज गेटिंग कॉल फॉर रोज एंड एवरीथिंग. मतलब मुझे मेन हीरोइन के लिए भी कॉल आया, मैंने कहा भाई मैं हीरोइन मटीरियल हुई नहीं, मुझे सिंपल सीधा साधा यू नो घरेलू है ना, अच्छा सीधा साधा रोल करना है, देखते हैं अभी. वो तो ऐसे ही मैंने ट्राई किया था कि देखते हैं होगा नहीं होगा, मालूम नहीं था, क्योंकि एक्टिंग का शौक मतलब जैसे स्कूल कॉलेज में जैसा करते हैं वैसा किया था, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में किया था, दैट्स इट, नथिंग यू नो सीरियस. तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 2003 एंड में माय हस्बैंड गॉट अ जॉब इन, वी वर इन हैदराबाद दैट टाइम, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग यू नो कॉल्स एंड ऑल. तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मुंबई जाके थोड़ा सा देखो क्या होता है वहां. तो आई केम टू मुंबई फॉर 15 डेज, जस्ट टू ट्राई फॉर 15 डेज, एंड आई वॉज लाइक, मुझे बालाजी का मैंने सबसे फर्स्ट मतलब आने मैं आई थी 3 दिसंबर 2003 को मुंबई आई थी, एंड 14th दिसंबर को मैंने फर्स्ट मेरा शो ये सीरियल किया था, कुसुम सीरियल में मैंने छोटा सा रोल किया था, वेरी सिंपल. पर सेम टाइम इट हैपेंड कि माय हस्बैंड ही गॉट जॉब इन एमबीटी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ही गॉट जॉब इन पुणे. तो यार कि मुंबई मिलेगा क्या, मुंबई मिल गया. तो 2004 में जब मुंबई आए हैं, फिर देयर वाज अ लॉन्ग 4.5 ईयर स्ट्रगल, सब चीजें धीरे धीरे धीरे. तब तो मैं बहुत सीरियस नहीं थी, ऐसी टाइम पास के लिए कर रही थी, जैसे कि मालूम नहीं था कि तारक मेहता हो जाएगा और ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा और मैं इतना यू नो आई विल बी इन दिस लाइन. सो दैट्स इट, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. बट यू नो जब हम कॉलेज या स्कूल में स्टेज पे काम करते हैं या जो भी थिएटर करते हैं, वो एकदम हार्डकोर प्रोफेशनल नहीं होता. एंड यू मेंशन कि आपने नादिरा बब्बर जी के साथ भी काम किया, तो वो जो थिएटर का एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए. तो लाइक जबलपुर में मैं थिएटर कर रही थी, 3-4 साल किया मैंने थिएटर और कथक भी किया. तो जबलपुर में नादिरा बब्बर जी का ग्रुप आता था प्लेस परफॉर्म करने, साल में एक बार जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें आता था. तो जब मैं मुंबई आई एंड तब मुझे पता चला कि नादिरा जी साल में एक बार ऐसे वर्कशॉप लेती हैं, तो मुझे मतलब जिस दिन वो वर्कशॉप स्टार्ट होना था उस दिन मुझे पता चला कि आज शाम को 6 बजे से वर्कशॉप है. मुझे ऐसा मालूम नहीं था, पहले से एनरोल कराना होता है, पैसे देने होते हैं एंड ऑल, एंड आई जस्ट रीच देयर. शाम को 6 बजे से स्टार्ट था, आई जस्ट रीच देयर. तो मुझे जो उनके जो मेन सब काम देखते हैं हनीफ सर, उन्होंने बोला कि ऐसे आप नहीं कर सकते हो, यू हैव टू इनरोल फ्रॉम यू नो बहुत पहले से. वो मैंने कहा पर मुझे करना है. बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते हो. मैंने कहा ओके. मैंने कहा मैं जबलपुर विवेचना से हूँ. बोले अरे पहले बोलना था ना, जाओ 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 अंदर जाओ, बाद में सब अपन देखेंगे जाओ. तो मेरे जबलपुर का थिएटर नाम सुनते ही उन्होंने मुझे बिना पैसे लिए एंट्री दे दी. फिर बाद में ना हिसाब किताब होता रहा. तो इट वॉज वेरी फन के उनके साथ जो थिएटर किया, तो काफी सारे प्लेस किए, एंड इट वॉज या ऑफकोर्स बिकॉज इट्स ऑन यू नो बिगर लेवल. नादिरा जी का यहाँ पर पृथ्वी थिएटर और बाकी जगह होता है. हम लोग ने आउटडोर्स भी किए हैं, आउटडोर पूरा प्लेस किए हैं. सो इट वॉज यू नो प्रोफेशनल एंड ऑल, पर पूरा हमने वहाँ काम किया है, पूरा बैक स्टेज किया है मैंने. सब जितना जो ना स्टेज जमाने से लेके कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग, कुछ सामान लेने जाना है, एवरीथिंग हर चीज. तो वो मजा आता था, एक अलग लर्निंग प्रोसेस एक अलग थी. तो शुरू में तो वो 3 घंटे का ही पहले उनका वर्कशॉप होता था. आफ्टर दैट उनका वर्कशॉप खत्म होने के बाद देन आई जॉइंड हर थिएटर. मतलब दे सिलेक्ट एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर मोस्ट. सो ऐसा फिर ऐसा था कि आई वाज देयर, आई थिंक मैं उनके साथ 3 साल थी ऑलमोस्ट. फिर मैंने एक टाइम पे ना कम कर दिया सब, बाकी सीरियल भी छोटे छोटा काम करना कम कर दिया, थिएटर भी, कि आई वॉन्टेड समथिंग सब्सटैंशियल. तो दैट I was waiting के ना कुछ अच्छा, I was अभी मैं बोर हो गई, ये सब छोटा छोटा बहुत हो गया है. तो that's how फिर धीरे धीरे तारक मेहता आया. Wow, this is so so interesting. और थिएटर में आपने कहा कि आपने हर तरीके के काम किए थे, क्योंकि थिएटर आई नो थिएटर ग्रुप में यू नो वेन यू आर देयर इट्स अ फैमिली. ऐसा नहीं कि भाई जो स्टेज पे जा रहे हैं वो ऑफ स्टेज कुछ नहीं करेंगे, एवरी वन डज एवरीथिंग. तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर प्ले या कोई पर्टिकुलर एपिसोड या कोई
स्टोरी है उन दिनों की, आपके थिएटर में जब आप एक्टर थे तब की, जो आपको मतलब एवरी टाइम यू थिंक ऑफ दोज डेज इट ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस? So, जो नादरा बाबर जी के साथ जब थिएटर किया था, तो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स, इतने टाइम के बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे दो चीजें अभी इस वक्त याद आ रही हैं कि एक बार उनका वर्कशॉप जब खत्म होने वाला था तो वो पूरे ग्रुप को एम्बी वैली लेकर गई थी एक दिन के वर्कशॉप के लिए, एक दिन का आउटडोर, यू नो, वहां पर जाके मेडिटेशन करेंगे, फील करेंगे एंड ट्रैकिंग करेंगे एंड बारिश में भींगना है, और ये रूल था कि कोई भी कपड़े चेंज नहीं करेगा, मतलब गीले हो गए तो हो गए, देन यू हैव टू स्टे वेट टिल इवनिंग, जब तक आएंगे रूम में पूरा। तो मैं, हम सब गए और पूरा भीगी गए थे, बारिश वारिश हुई है, लंच के टाइम पे जब खाना खाने आए थे तो मैंने जाके रूम में कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि ठंडी लग रही थी। तो आई रिमेम्बर आर्या, मतलब जो राज बब्बर जी का बेटा आर्या बब्बर, ही सेड अरे ये गलत है, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं होता करके, ही लिटरली पुश्ड मी कि नहीं, वापस उसने मुझे भिगाया कि ये नहीं चलेगा करके। सो आई लिटरली लाफ्ड, मैंने कहा अरे ऐसा क्या है। सो दैट वाज फन। एंड दूसरा मुझे याद है कि लास्ट फाइनल जब उनका वर्कशॉप का जब चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने एक ये किया था, एक हम लोग को प्ले दिया था, आधे अधूरे का प्ले करके प्ले है, उसको इम्प्रोवाइज करके आप थोड़ा ये करिए, डायरेक्ट करिए, इम्प्रोवाइज करिए, एक्ट करिए। तो ऐसा था कि एक एक बार मैं उसमें मैंने एक्टिंग भी किया, जो माँ का रोल है वो भी किया था, एंड आई डायरेक्टेड ऑल्सो। तो जब उन्होंने देखा प्ले, बाजी ने प्ले देखा नादरा जी ने, क्योंकि आई थिंक हम लोग 8-10 ग्रुप थे, तो उन्होंने बोला माय गॉड आई कांट इमेजिन यू, यू आर सच अ गुड डायरेक्टर। आई सेड रियली? आई सेड नो नो। बोले नहीं जेनिफर, तुम बहुत अच्छा किया, मतलब शी प्रेज मी अ लॉट। तो मुझे वो, मतलब बहुत बड़ी बात है कि नादरा बब्बर जी जैसी, यू नो, इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड इतनी अच्छी लेडी, एंड जो इतने सालों से थिएटर के लिए कितना काम कर रही है, उन्होंने ये बोला तो ये बहुत बड़ी बात है। So it was good. And one more thing I remember a lot. उस टाइम पे एक दिन हम लोग का इम्प्रोवाइजेशन चल रहे थे, तो अलग अलग जैसे थिएटर में टिपिकल इम्प्रोवाइजेशन होता है कि आप कुछ इम्प्रोवाइज करो, एक सिचुएशन दे देते हैं कि ये अभी इसमें आप ऐसा इम्प्रोवाइज करो। तो एक सिचुएशन दी गई थी हम लोग को कि एक लिफ्ट के अंदर, एक लिफ्ट में सब एक एक करके आ रहे हैं जन, मतलब एक आया दूसरा निकला, जैसे एक जन अंदर आया तभी हम लिफ्ट में, कैसा कन्वर्सेशन होता है कोई लिफ्ट में जाके, तो कोई अपन को जानता है अपन हेलो करते हैं, कोई नहीं जानता है हेलो करते हैं, ऐसा सब ऐसा टिपिकल चलता रहता है। तो वो ऐसे कर करके, तो ऐसा जब मेरा चांस आया कि ओके फोर्थ फ्लोर आया है, अभी मैं अंदर आई, तो यू नो आई वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन, यू नो टिल दैट टाइम आई वॉज वेरी नॉट सो एक्सप्रेसिव, बहुत साइलेंट, सब ऐसे ही जानते थे मुझे। तो मैं वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर घुसी, तो उसमें एक आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, एक लड़का था, स्मार्ट सा लड़का था, तो मैंने ऐसा पूरा एकदम, यू नो, ऐसा वाला पूरा एक्टिंग किया कि क्यों क्या रे चलता है क्या, ऐसा मैंने किया, ऐसा थोड़ा जो आगे इम्प्रोवाइज किया, एंड एवरीबडी वाज स्टंड। और फिर यू नो वो, फिर वो तो इम्प्रोवाइजेशन खत्म हो गया 2-3 मिनट में। मुझे वहां पर जो सर थे एक, उन्होंने बोला जेनिफर दैट्स अ वेरी बिग स्टेप, दैट्स अ वेरी बिग, कोई ऐसे इतनी जल्दी ऐसे ओपन नहीं होता, द वे यू डिड आई थॉट समथिंग वेरी ऑफ बीट डिफरेंट, तो दैट वाज वेरी नाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि या बिकॉज आई वाज, इट दैट केम नेचुरली टू मी कि मैंने चलो कुछ अलग करते हैं, सब टिपिकल जाके ऐसा करते हैं, इफ आई कैन प्ले सम डिफरेंट कैरेक्टर तो देन इट विल बी, यू नो, गुड। तो दैट्स इट। और तारक मेहता आपको जब मिला, तो ऑफ कोर्स बहुत यू नो शूटिंग शेड्यूल, कंटिन्यूअसली बिजी रहना, यू हैड योर डॉटर, अब फिर बेटी बड़ी हुई, यू नो शी वुड हैव स्टार्टेड सीइंग यू ऑन द स्क्रीन, सो वो पूरा कॉन्वर्सेशन क्या रहा? आई वांट टू नो दैट फ्रॉम अ मदर, नॉट एन एक्टर। अभी उसके लिए तो ऐसा था कि वो तीन जब वो पैदा हुई तब से ही वो तारक मेहता तो देख ही रही थी, है ना, मैं इसको बताती थी कि मम्मा इसमें काम करती थी एंड ऑल, ऐसे सब दिखाती थी तब। फिर व्हेन शी टर्न 3 एंड आई जॉइन, उसको एज सच कोई डिफरेंस नहीं वो हुआ, थोड़ा शी इज वेरी यू नो बहुत बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेती है, उसको कोई कूल है, मैं ही रोती हूँ उसको नहीं मिलती हूँ, तो
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज वेरी यू नो 5-6 दिन हम 7-7 दिन भी शूटिंग करने गए उसको बिना मिले मेरा रोना चालू रहता है जाते टाइम आते टाइम, लेकिन उसका कुछ ऐसा नहीं होता है, शी इज वेरी स्ट्रांग. तो एज सच उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा ये सब चीजों से, लेकिन हाँ स्क्रीन में जैसे वो देख के उसके कभी मतलब उसके लिए मतलब सब अभी वो वहां पर भी जो कोस्टार्स है उसके लिए सब अंकल आंटी है, नथिंग उसके लिए कुछ ऐसा कुछ भी स्पेशल सच नहीं लगता है. लेकिन कुछ कभी उसके फनी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसने मुझे अभी परसों पूछा, मैं बहुत हंसी, मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात पे. मैंने उसको बोला कि कल उसके अभी 4 दिन पहले मतलब ऐसा हुआ कि मेरा कुछ क्लोज रह गया था क्लोजअप, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट डे बुलाया गया. तो मैंने उसने उसने बोला मम्मा आज आपने क्या किया, मैंने कहा आज सिर्फ क्लोजअप था मेरा. तो उसने बोला कि तो क्यों कल क्यों नहीं कर लिया आप कंप्लीट, मैंने कहा टाइम नहीं था अंधेरा हो रहा था, तो वो उनको फिर नेक्स्ट डे बुलाना पड़ता है. तो गति पर एक ही दिन में कर लेते तो अच्छा था ना, मैंने कहा नहीं बेटा बीइंग एन एक्टर इट्स गुड बिकॉज वी गेट पेड ऑन पर डे बेसिस, तो अगर मेरा एक दिन बड़ा से क्लोज देना 4-5 घंटे में देके चले गई तो इट्स गुड. तो कहती अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ. तो कहती आपको पर डे मिलता है, मैंने कहा हाँ. कहती कितना पैसा मिलता है आपको, आई कांट इमेजिन शी आस्क्ड मी कितना पैसा मिलता है. मैंने उसको जैसे ही बोला कहती इतना पैसा मिलता है आपको, आई वाज लाइक अब मुझे समझ में भी नहीं आया कि उसको ये सब पैसे यू नो इतना नॉलेज है क्या है उसको नेचुरली क्या या साउंड लाइक बहुत मुझे बहुत मजा आया उसकी ऐसी बात सुन के. तो दैट समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा फनी ऑफ कोर्स वो बोलती रहती है कभी कभी, बहुत टिपिकल वो कॉमेडी है मतलब अभी वो अभी तो हम जो कराते इस तरीके हो बट पर्सनली शी इज वेरी यू नो बहुत पंचेस मारती है बहुत ऐसे जोरदार उसका यू नो मतलब मुझे ऐसे लगता है हम तो मैं तो टिल लाइक टिल आई केम इन एक्टिंग तब तक भी मेरा था ही नहीं दूर दूर तक कैसे बात करना है क्या करना है स्मार्टनेस ही नहीं थी बिल्कुल जीरो. एंड वो तो अभी से ऐसा है मुझे ऐसा लगता है माई गॉड आई कांट इमेजिन के मतलब हम एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने पिछले साल तो उसमें उसने मेरी बेटी का रोल किया था, उसने कभी नहीं देखा है मतलब किया था शूटिंग एंड उसमें वो उसने ऐसे जब अपना उसका एक शॉट था उसने ऐसे उठ के गई एंड देन शी सेड ये जब वो मास्टर शॉट हुआ पहले क्लोज हुआ हाँ. तो जैसे बैठी थी मास्टर शॉट बोला मम्मा मेरी चोटी पीछे थी इसमें आगे नहीं थी, शी रिमेम्बर द कंटिन्यूटी ऑफ ये फिर वो आए मुझे मालूम है अगर यहाँ से हुआ वही शॉट इधर से हो रहा है तो वैसे ही होगा, मुझे तो समझ में नहीं आया उसको पता कैसे चला. सो देट वॉज लाइक आई मेरे इवन जब मैंने स्माइली चेक बनाई थी उसमें भी उसका ऐसा ही था कि यू नो ये ऐसा नहीं ऐसा है या मैं ऐसे बैठी हूँ या इस टाइम पे मैं ये कर रही थी यू नो इस लाइन पे मैं ये कर रही थी, ये हमने तारक मेहता के बहुत टाइम बाद सीखा है मतलब जो समझ में आने लगा नहीं नहीं इस डायलॉग पे अगर ये उंगली उठाइए तो ऐसे ही रहेगी. सो दैट शी हैज दैट टच विद द सेंस उस चीज से बहुत अच्छा है. दिस इज अमेजिंग दिस इज सो इंटरेस्टिंग. बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे हैं कि भाई आप उनका नाम लेके उनको हाय कहें. So I am going to say the names और इतने सारे लोग ने कैसे एक तो बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है ना. हाँ नहीं मैं पेन लेके इसीलिए बैठी हूँ बिकॉज़ आई एम राइटिंग. अच्छा प्लीज तो आप ही पूछो आप ही लो मैं लूंगी ना मैं किसी का नाम नहीं लूंगी तो फिर बोलेंगे मैम मेरा नाम नहीं लिया. मैंने जिनके भी नाम लिखे हैं आई विल से दैट यू जस्ट रिपीट एंड से हाय टू देम. से हाय टू स्वाति मेघा चिराग. स्वाति मेघा चिराग चिराग ओके हाय स्वाति मेघा चिराग. रिचा द्विताली और वीर. रिचा द्विताली एंड रिचा द्विताली द्विताली एंड वीर. वीर वीर ओके रिचा द्विताली एंड वीर हाय आई होप यू आर डूइंग गुड. रुद्रांश ऋषभ और समर. रुद्रांश ऋषभ एंड समर समर ओके समर हेलो. और या आई थिंक हमारे ऑफिस में आपकी बहुत बड़ी फैन है शीज. तो आई कॉल हर कि अगर पद्मश्री दिया जाएगा ना तारक मेहता का कवरेज के लिए तो वो तुम्हें मिलेगा. शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन. सो प्लीज से हाय टू शीतल पटेल. हाय शीतल पटेल कीप वॉचिंग ऐसे ही. He is telling me कि the moment lockdown खत्म हो
the first thing she wants to do is ke, you know, she wants to go to the set. Maine bola, okay, we'll do that. Okay. Okay. So let's talk about Kathak. You know, your dance. I mean, did you learn it since your childhood? Are you reconnecting it, reconnecting with your dance? So I was, मेरे ख्याल से मैं 5 साल की थी, तब 4 या 5 ईयर्स की थी, तब मेरी मम्मी ने मुझे कथक सीखने के लिए डाला था. एंड आई रिमेम्बर ऐसा कुछ था रूल उस टाइम पे कि आप क्लास वन क्लास थर्ड आपको यू नो स्टैंडर्ड थर्ड आपको पास होना चाहिए टू गिव यू नो एग्जाम. उसके लिए मुझे क्लास रिपीट करना पड़ा ऐसे करके. सो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड यू नो लर्निंग एंड आई थिंक मैंने 95 में मेरा 8 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया था. बीच में थोड़ा ब्रेक भी था. 95 में आई डिड माय 8 ईयर्स डिप्लोमा. लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस बिल्कुल ही मतलब थोड़ा बहुत जो हम शोज करते थे बिकॉज मैं जो हमारा थिएटर वाला ग्रुप था थिएटर ग्रुप के साथ तरंग करके एक कथक का प्लेटफॉर्म था जो जिसमें मैंने काफी सारे शोज किए हैं अलग अलग जाके जयपुर रायगढ़ और आई थिंक उज्जैन बहुत सारी जगह मैंने हमने शोज किए हैं उसमें. तो वो एक तब तक के लिए था. लेकिन मुझे लगता है 1999 में आई मेट माय हस्बैंड. उसके बाद आई थिंक 99 से वो टोटल बंद बिल्कुल बंद हो गया. फिर आपने उन पे शुरू कर दी. तो ऐसा हुआ कि मतलब बिल्कुल ही मतलब फिर ऐसा हुआ कि है ना एकदम ऐसा हो गया कि अभी उस टाइम का था प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था तो ऐसा और कोई चीज ध्यान भी नहीं रहती थी. I will. So it is, उसके बाद अभी कथक की लॉकडाउन में प्रैक्टिस स्टार्ट की क्योंकि टाइम ही टाइम था. एक्सरसाइज भी नहीं हो रही बाहर भी नहीं जा रहे. मैंने बोला कथक से प्रैक्टिस भी होगी याद भी होएगा अच्छा भी लगेगा. यू नो यू बी इन द मोमेंट एंड एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो रही है. सो वो स्टार्ट किया. तो फिर अब अभी आई डू समटाइम आई डू कथक जब प्रैक्टिस करती रहती हूँ मैं जब फ्री हूँ. कौन से घराने का कथक सीखा था? जयपुर लखनऊ एमपी जबलपुर में जहाँ मैंने सीखा है. तो वी डू यू नो ऑल सबका थोड़ा थोड़ा रहता था प्लस रायगढ़ घराना बिकॉज जो रायगढ़ घराना में उसमें तो मेन जैसे अभी पैर के किसी के इतना मुझे एक्चुअली अब थियोरेटिकल चीजें याद नहीं है. मतलब जैसे किसी के बोल अलग होते हैं जयपुर घराने के लखनऊ घराने का ना पैर का ऐसे सब अलग अलग होता है. उस तरीके से जितना मुझे याद है ना इट वाज समथिंग मिक्स तब का. जयपुर घराने में फुटवर्क और नृत्य बहुत ज्यादा होता है जबकि लखनऊ में फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट्स ज्यादा होती हैं. सो या मैं जयपुर घराने की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है. तो लव स्टोरी सुनाइए आपकी. 1998 में सो आई वॉज वर्किंग इन अरीना मल्टीमीडिया एज अ काउंसलर. मैं ना ऐसे हाँ ऐसे ही सोचा कुछ काम करते हैं करके तो अरीना मल्टीमीडिया में लाइक काउंसलिंग में जो अपने कोर्सेज बताते हैं ऑल. सो आई जस्ट ज्वाइन देयर. आई रिमेम्बर आई ज्वाइन देयर ऑन 18th ऑफ आई एम वेरी गुड इन डेट्स. तो मुझे डेट्स बहुत याद रहती है. तो 18th February 1998 को मैंने ज्वाइन किया था. एंड 19th February को आई वॉज सिटिंग ऑन माई चेयर जो पीछे ऐसा कांच केबन था एंड ऐसे यहाँ से केबन से पीछे स्टूडेंट्स दिखते थे. तो मुझे नहीं मालूम मेरे जो कलीग था वो फ्रेंड भी था मेरा तो उसने पता नहीं क्यों बोला उसने ऐसे बोला कि मैम वो देखो पीछे आपका मयूर बैठा है. मैंने कहा कौन मयूर? तो मैंने से पलट के देखा तो मैंने उनको देखा तो मैंने बोला ये तो खरगोश जैसा दिखता है. मैंने उसको ऐसा बोला बिकॉज ही वाज वेयरिंग व्हाइट शर्ट. तो मैंने बोला ये तो खरगोश जैसा दिखता है. बस इतनी ही बात हुई. पर ऐसा वो होगा ना वो लिखा होता है कि आपका कुछ ऐसा होगा. तो अब कुछ एक दिमाग में बैठ गया कहीं. तो एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम तो एक नजर पड़ती थी एंड ही वाज वेरी क्वाइट. मुझे लगता था कोई इतना चुप कैसे रह सकता है. मतलब एक वर्ड मैंने कभी सुना नहीं उनके मुंह से. सो आई वाज लाइक माय गॉड ही इज लाइक आई वंडर बोलता भी है कि नहीं बोलता है ऐसा मुझे लगता था. क्योंकि वो आके भी ना क्लास से पहले बट ही यूज्ड टू सिट लाइक दिस ऐसे 15-20 मिनट्स किसी से भी कुछ बात नहीं. क्लास अटेंड किया और चले गए. फिर ऐसा हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स तब तक कुछ हलो भी हाय भी नहीं हुआ था. आफ्टर 2 मंथ्स
ऐसा हुआ कि एक दिन मैं रेड पहन के गई, देखा तो उनने भी रेड पहना है, नेक्स्ट डे मैंने येलो पहना है, उनने भी येलो पहना है, उसके बाद मैंने ब्लू पहना है, उनने भी ब्लू पहना है, मैंने ग्रीन पहना है, उनने भी, इट वॉज 7 कंसेक्यूटिव डेज वी वर वेयरिंग द सेम कलर, दैट वाज सिंक्रोनिसिटी, नाउ आई अंडरस्टैंड, उस टाइम तो मुझे नहीं पता चला ये क्या है, बोले यार ये कैसे हो रहा है यार, ही इज जस्ट यू नो वेयरिंग द सेम कलर. तो मुझे याद है कि बिकॉज आई वाज अ काउंसलर तो मेरे पास डायरी यू नो लिस्ट रहती थी सब स्टूडेंट्स की, तो मैंने खोला तो लेटेस्ट एडमिशन वॉज हिम ओनली. तो ही वॉज डूइंग हिज एमबीए कम्प्लीट किया था, तो वो गर्मियों के मतलब एमबीए के बाद टाइम जो था, तो ही वॉज डूइंग सम मल्टीमीडिया का कोर्स करता हूँ करके, तो सबसे ऊपर उनका ही था, तो ऐसे जस्ट मोबाइल नहीं है, लैंडलाइन नंबर दिखा, मुझे नंबर सब बहुत याद रहते हैं, तो मुझे वो दिखा तो मैंने रह गया दिमाग में. फिर एक दिन ऐसा ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या मूड हुआ, आई डोंट नो क्या मन हुआ मेरे को, एक मतलब ट्रस्ट मी दिस इज आई कांट इमेजिन दिस हैपेंड विद मी, कि मैंने रात को 10:30 बजे मैंने मेरे भाई को बोला, वो मेरा एकदम यू नो जो करवाना है ऐसा, कि मेरा भाई है ना उसको मैं लाइफ में कुछ भी करा सकती हूँ ना, बिल्कुल सब मेरा हमेशा चेला बोलती हूँ, तो मैंने उसको बोला आने एक फोन लगाना, फोन लगा के दे मुझे. तो उसने फोन लगाया और मयूर ने फोन उठाया, तो उसने पूछा मयूर है क्या, बोले हाँ, तो बोले ये बात करिए, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा हेलो, तो बोले हाँ कौन, मैंने कहा, तो मुझे आज भी याद है मेरा पहला डायलॉग था, मैंने कहा इतनी रात हो गई अभी तक आप सोए नहीं है, तो उन्होंने बोला कौन बोल रहे हो, तो मैंने कहा पहचानिए, तो उन्होंने वहां से बोला जेनिफर, मैंने कहा कैसे मालूम, हाउ डू यू नो, तो उनका डायलॉग था कि एक ही तो लड़की है जिसको मैं देखता हूँ, मैंने बोला ओह माय गॉड आई कांट इमेजिन, तो सुना था कुछ. इन दैट 10-15 मिनट्स टॉक ही टोल्ड मी कि हम तब हमने कुछ आई लव यू कुछ नहीं, कुछ बात नहीं, एक कुछ भी नहीं मालूम, ही जस्ट टोल्ड मी कि आई विल आस्क माई पेरेंट्स इफ दे आर ओके विथ आर फ्रेंडशिप, देन वी विल गो अहेड, एंड ही टोल्ड हिज पेरेंट्स. और मुझे याद है कि एक फर्स्ट मे को मैं मेरी बुंदेलखंडी फोक म्यूजिक की मेरी एग्जाम थी, तो मैं वहां से लौट रही थी, तो ऐसे सडनली आई कॉल्ड हिम, ही सेड के कम होम करके, तो मैं घर गई और फर्स्ट टाइम उनके पेरेंट्स से मिली थी. सो इट वॉज लाइक फिर वो अनसेड यू नो अनसेड वो हो गया कि ओके वी लाइक ईच अदर, देन वी डेटेड फॉर ऑलमोस्ट 3 years, देन वी गॉट मैरिड. इट वॉज डेस्टिनी जिस तरीके से वो होना होगा, एंड वो जितने चुप तब रहते थे उतने चुप आज भी रहते हैं, आई हैव टू टेल हिम आज मैंने आवाज नहीं सुनी, प्लीज टॉक समथिंग. मैं और लेकिशा एकदम ऑपोजिट है, हम दोनों लाइक अरे बाप रे, मतलब ही जस्ट हम दोनों जब बात करते हैं वो ऐसा रहता है, अरे यार दोनों साउंड तो कम करो यार, तुम दोनों कितना बातें करते हो, ऐसा कर रहता है. और लेकिशा बोलती डेडा वॉल्यूम 1 पे ही है मेरा, मेरे को मत बोलो. इट इज लाइक फन अभी भी वो द वे ही यू नो, पर एक रीचे वो ऐसे ही होता है ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, मतलब अगर वो भी बोलते रहते मैं भी बोलते रहते तो क्या होता, सुनता कौन, दैट्स इट. या सच में ओके, सो फाइनली आई बीन थोड़ी बहुत हम तारक मेहता शो के बारे में बात कर लेते हैं, वरना पीपल आर गोइंग टू हेट मी कि आपने कुछ पूछा नहीं. सो इन फैक्ट अभी यू नो आपके हस्बैंड चेंज हो गए हैं शो में, एंड यू रोट अ वंडरफुल नोट टू बोथ द एक्टर्स हु लेफ्ट द शो, तो कैसे डायनेमिक्स चेंज होते हैं किसी एक एक्टर के साथ, इतना लंबा यू नो इतना लंबा सफर तय करना और फिर एक नए एक्टर को उतने ही वार्मली आपको वेलकम करना है, एक्सेप्ट करना है, उनके साथ काम करना है, ये चेंज कैसा रहा आपके लिए? शायद मैं लॉकडाउन के पहले की जेनी होती तो मैं शॉक्ड हो जाती कि ये क्या हुआ, गुरुन चला गया, नेहा चले गई, सो इट वॉज रियली लाइक यू नो. पर लॉकडाउन हैज मेड मी वेरी काम एंड क्वाइट, ऐसे ही मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ. And I do meditate and yoga and everything, you know. I do angels card reading also. So मैंने lockdown में I became very quiet. So I've started taking everything as it is. जो चीज जैसी है, everything is happening for a reason. वो सही चीज के लिए हो रही है. आप कोई चीज change नहीं कर सकते हो. आप किसी की destiny change नहीं कर सकते. I totally believe not interfering in someone's karma. किसी के karma में कभी interfere नहीं करने. जिसका जो करना है भाई उनको करने दो. उनकी life है और वो लिखा हुआ है. That also I believe. कि वो लिखा है कि गुरु जाएगा, नेहा जाएगी, ये लिखा हुआ है. एंड जो भी इंसान आया है वो आना ही है. वो उनका भी लिखा हुआ है कि उनको आना है, किसको आना है, वो सब लिखा है. चाहे 100 जन ऑडिशन देंगे. जब मुझे पता चला मतलब अभी देखो जब तक प्रॉपरली शूट होता नहीं है, कोई आता नहीं है, तब तक वो लगता है ना कि शायद वो वापस आएंगे.
ऐसा था कि लेट्स सी, तो सीधे तो मेरा भी जब 20th August I started shooting वेरी लेट, शूट इनका 10th July से स्टार्ट हो गया था, बट बिकॉज यू नो सोडी का जो भी कास्टिंग माय चांस केम लेट एंड आई वाज वेरी हैप्पी और दिन मिल गए घर में कि यू नो मुझे तो बहुत मजा आया कि यार सही है चलो. उस टाइम पे फिर जब पता मतलब शूट पे पहुंची तब मतलब फोन एक दिन पहले ही फोन पे पता तो चल गया था कि बल्लू जी हैं तो एंड वी आई न्यू हिम बिकॉज वो हमारे यहाँ क्रिएटिव का काम कर चुके हैं लास्ट ईयर. वो भी ही वॉज देयर विद अस क्रिएटिव काफी, इज अ वेरी सीनियर एक्टर, लाइक उन्होंने दिल तो पागल है में काम किया, कितनी नीला टेल फिल्म्स के साथ उन्होंने काम किया है, दिलीप जी के साथ कितना काम किया, कितना थिएटर किया उन्होंने. इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन एंड वेरी स्वीट एंड वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी बहुत बहुत अच्छे हैं मतलब. तो फर्स्ट डे जब उनके साथ हेलो हेलो तो किया जैसे नॉर्मल हम हेलो करते थे, तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि मेरा किसी से भी मैं पहले मिलती हूँ तो सबसे पहला मैं उसको डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ, यू नो क्योंकि कौन सा साइन है, ओके मेरी कितनी पटेगी, ऐसा आप मेरा एक बैक ऑफ द माइंड चल जाता है. दो नॉट आई एम अ सैजिटेरियन 27 नवंबर. आई थिंक यू आर अ कस्क. यू आई एम अ पाइसियन. नो नो पाइसियन. व्हेन? मार्च 17 मार्च में आता है. या ओके. तो मैंने उनको पूछा कि आपका बर्थडे कब आता है, तो उन्होंने बोला 18th October. मैंने कहा वाओ यू आर नंबर 9, मैं भी नंबर 9, क्या बात है. तो मैंने सिर्फ उनको इतना बोला, मैंने बोला बल्लू जी आई हैड, मुझे एक महीना पहले इंट्यूशन हो गया था कि ही विल प्ले द रोल, सो आई गेट दैट यू नो आई गेट. सो इफ यू नो लाइक कुछ लोग क्लैर ऑडियंस होते हैं, कुछ क्लैरवॉन्स होते हैं, क्लैर सेंटेंट होते हैं, तो आई एम वेरी यू नो क्लैर सेंटेंट, मुझे बहुत फील हो जाता है, वो मुझे इंट्यूशन के थ्रू पता चल जाता है, सो आई गेट ऑल द आंसर्स. तो मुझे मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि बल्लू जी मुझे मालूम था, तो मुझे पता चल गया था कि ये प्ले करने वाली है. दो दे देमसेल्व्स डिड नॉट नो, उनका भी चल रहा था क्या करे ऐसा करके, बिकॉज इट इज अ बिग रिप्लेसमेंट, मतलब सोडी और अंजलि दोनों का चेंज होना इज अ वेरी बिग रिप्लेसमेंट. एंड जैसे गुरु बहुत अच्छा था, लाइक ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, जिस तरीके से वो यू नो उन्होंने कैरेक्टर बनाया था एंड एवरीथिंग, ही वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग. So it is very difficult के उस इमेज को आप you know change कर पाओ, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर बल्लू जी पहले आए होते हैं, गुरु बाद में आया था, तो you know वही होता है कि अरे आप ठीक है, किसी की जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते, तो मुझे बोलो कि मैं आपकी जैसी एक्टिंग करूँ, दैट विल बी डिफिकल्ट. अगर जब तक आप उसके यू नो मिमिक्री नहीं करते हो तो वो नहीं हो पाएगा. तो मैंने उनको बस इतना बोला, मैंने कहा बल्लू जी मुझे मालूम था कि आप ही आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सब डेस्टिन्ड है, कर्मा ये सब लिखा हुआ है. मैंने बोला अरे बाप रे आप तो मेरे जैसी बातें करते हो, एंड आई वाज लाइक मैं इतना खुश हो गई कि यार ये एक स्पिरिचुअल पर्सन मेरी लाइफ में है, मजा आ गया. तो उसके बाद तो टचवुड हम जब बैठते हैं, अभी तो हमारा इतने अच्छे से रीडिंग और बातचीत है ना पूरा, हम जो जिस तरीके से मैंने उनको ये बोला कि अपने टाइम हो ना हो अपन दोनों को बैठ के अपना रीडिंग करने का है सीन का, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड अभी क्योंकि एकदम नया है, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग के हाँ शिफ्ट इसमें कितना टाइम नहीं मिलता है बहुत बार, तो अपन दोनों बैठ के अपना करेंगे सीन कर लेंगे, मैं क्या बोलूंगी आप क्या बोलोगे अच्छे से करके. सो टचवुड इट इज लाइक इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, के मतलब बहुत अच्छे से हमारा केमिस्ट्री हो गई. ऑफकोर्स आई मिस गुरु अलॉट बिकॉज कुछ चीजें थी उनकी वो बहुत मजेदार थी या बहुत क्यूट थी या बहुत कुछ चीजें वो ऐसे करते थे जो इरिटेट भी होती थी, मैं उनको मैं हर बार बहुत बोलती थी, फिर वो ऐसे हो जाते थे उनका एक ऐसे ऐसे करते थे वो एवरी एक टाइम पे, मतलब मैं बोल रही हूँ आई थिंक तीन साल पहले की बात कर रही हूँ, तो कुछ नया नया उनका एक चालू हुआ था ऐसे बात करते करते कंटिन्यूसली. मैं बोली गुरु बस मतलब डायलॉग चल रहे हैं, सीन चल रहा है, ये चल रहा है, नेक्स्ट डायलॉग बोलना है, ये चलता था. मैं बोली गुरु प्लीज गुरु, पहले मैं प्यार से पूछती थी, फिर एक दो बार मैंने गुरु बस कट 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 कट, और उनको रियलाइज भी नहीं होता था क्योंकि वो इतना मस्ती में ही ना, ही वाज वेरी फन लविंग एंड मस्ती है ना एवरीथिंग, तो वैसे कट नहीं रहते थे. तो मैंने उनको वो चीज ऑफकोर्स आई मिस ऑल्सो दैट ना, वो जिस तरीके से हम भी गुरु भी वॉज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, हम दोनों बहुत स्पिरिचुअलिटी हम लोग ने साथ में रेडिकल करके कोर्स भी किया है एंड काफी काफी चीजें लाइक यू नो वी वर ऑन दैट. लॉकडाउन में भी 2-3-4 बार हमारी एक एक घंटा बात हुई है और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बात हुई है. सो इट वॉज वेरी यू नो ठीक है, पर वो जो भी होगा भगवान को जो यू नो
मंजूर है एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सी हाउ इट, अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है टचवुड. यस यस, जो बलून तरीके से. सो अगर तारक मेहता नहीं होता शो तो क्या होता? व्हाट डू यू थिंक व्हाट योर लाइफ वुड हैव बीन? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग, व्हाट डू यू फील क्या होता? मतलब अगर तारक मेहता नहीं होता तो क्या होता, या तारक मेहता के अलावा अगर मुझे कोई चूज करना, ऐसा क्या, व्हाट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग? इफ अगर तारक मेहता का शो नहीं आता आपके लाइफ में तो आपकी लाइफ आता ही नहीं लाइफ में, कितनी अलग होती? आई डोंट नो, बिकॉज मैं जिस तरीके से बिफोर मतलब मैं 2004 से 2008 जून तक मैंने जो स्ट्रगल किया है, इट्स 4.5 years. सो आई यूज्ड टू गो ऑडिशंस पे मतलब एक बैग लेके, उसमें एक साड़ी, एक सलवार कमीज, एक जींस टी शर्ट, एक फ्रॉक, ऐसे सब अलग अलग, क्योंकि कौन सी एड्स की ज्यादा मैं ऑडिशन देती हूँ, कौन सी इसका क्या तैयार होना है. एंड ऑडिशन मतलब मैं जैसे पवई में रहती हूँ तो फेमस स्टूडियो में ज्यादा ऑडिशन होते थे, तो हफ्ते में एक बार यू नो बाय लोकल ट्रेन पूरा कपड़े लेके साड़ी पहन के फेमस स्टूडियो जाओ, वहाँ ऑडिशन दो, फिर वहां से अंधेरी जाओ, फिर वहां से बैंड्रा जाओ, ऐसा सब बहुत होता था. आई स्टिल रिमेम्बर मैं एक मॉल में जाके कपड़े कई बार चेंज करती थी, तो वहां जाके मैं साड़ी पहन के मैं आती, साड़ी पहन के अंदर गई और वहां पर कपड़े चेंज करके जीन्स टी शर्ट पहन के निकल रही ना, तो वहां जो सफाई वाली थी वैसे देखती थी कि क्या ये क्या गड़बड़ है, मतलब उसको ऐसा ही लगता होगा, उसको क्या मालूम मैं ऑडिशन पे जा रही हूँ ना. पीपल वुड नॉट नो, लिमिट टू थिंकिंग. तो वो सब पूरा जिस तरीके से चलता था, हालांकि मुझे कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि काम नहीं है या ना काम छोटा छोटा ही कर रही हूँ. आई एंजॉयड व्हाटएवर आई डिड, मतलब आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई लर्नड अ लॉट इन दैट प्रोसेस. इतने मैंने करीबन मुझे लगता 50 ऊपर मैंने सीरियल्स किया था, छोटे छोटे रोल्स में, बहुत छोटे छोटे, इट्स लाइक वन डे ना, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, ऐसा. तो वो सब करके मतलब आई वाज फीलिंग गुड, क्या आई एम ओके, ठीक है, आई एम डूइंग गुड. पर एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे लगता था कि नहीं यार, एक ऐसा कोई एक रोल हो कि जो मैं लोग रिस्पेक्ट करें, प्यार करें. महीने में मेरा 15 से 20 दिन शूट हो, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए. मुझे ना पागल नहीं होना कि शूटिंग कर करके, तो मेरे को घर के लिए भी टाइम चाहिए. तो देन तारक मेहता हैपेंड. अगर ये नहीं हुआ तो मुझे लगता कि फिर शायद इतना जो मैंने वैसे ही शायद चलता रहता है ना स्ट्रगलिंग. उस टाइम पे भी मैं स्पिरिचुअलिटी में थी, लाइक 2007 आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग निचरन दर्शन एंड बुद्धिज्म, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एसजीआई, सोका गक्का इंटरनेशनल, या इंडिया में हम उसको भारत सोका गक्का बोलते हैं, जिसमें हम चैंट करते हैं नम्यो हो रेंगे क्यों. सो निचरन दर्शन करके एक ये थे, उन्होंने नम योहरेंगे का चार अक्षर उठा के फिर वो चैंट बनाया. तो मैं 2007 से वो चैंटिंग करती थी. तो वो चैंटिंग से जो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो मेरे मैनिफेस्टेशन होने लगे, वो एक वो था. तो उस टाइम तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा हो जाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि समहाउ अगर ये नहीं होता तो धीरे 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 शायद मेरा पाथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाता, जो अभी भी अगर ऐसा है तब तो ये ना अब मतलब हाफ द टाइम मेरा ये होता ही है अभी, लाइक लॉकडाउन में जो मेरा स्टार्ट हुआ है, बिकॉज आई डिड एंजल्स कोर्स एंड एंजल्स कार्ड रीडिंग मैंने स्टार्ट किया है. जैसे टैरो कार्ड होते हैं वैसे एंजल्स कार्ड होते हैं, तो या तो वो मैंने स्टार्ट किया प्रोफेशनली. मैं स्टार्टेड सो काफी मतलब क्लाइंट्स होते हैं, या स्टार्टेड एंड आई एम. सो ये लॉकडाउन का एक होगा कुछ ना, कि आपको मेरे मेरे इतने सालों की जो इच्छाएं थी कि यार टाइम नहीं. सबसे सबसे हंसी की बात यह है कि ट्रस्ट मी, मैंने फरवरी में मैंने बोला था, अरे यार भगवान मेरे को 4-5 महीने की छुट्टी दे दो यार, ऐसा मैंने बोला था. आई वाज लाइक मैंने कुछ और मांग लिया होता यार, जू बीच में बड़ा बंगला दे दो, यू नेवर नो. आई वाज लाइक आई वाज वेरी हैप्पी के मतलब यू नो इस तरीके से जो मेरा ये हुआ कि मैंने लॉकडाउन में मतलब कथक की भी प्रैक्टिस की, कराटे की भी प्रैक्टिस किया, मैं ब्लैक बेल्ट इन कराटे, तो वो भी प्रैक्टिस किया मैंने. तब सब जितने वीडियोस बनाते रहे, एक्टिंग जो भी करना है ना, घर की सफाई भी, एवरीथिंग. सो वो सब करते करते, और मैंने जस्ट एंजल्स का कोर्स किया था, तो वो सब प्रैक्टिस होके फिर वो धीरे से वो प्रोफेशनली भी स्टार्ट हो गया. तो शायद भगवान चाह रहा होगा किसका सोर्स ऑफ इनकम अलग हो, प्लस माई मेन इंटेंशन इज टू हेल्प समवन, इफ समवन इज स्टक ऑन सम क्वेश्चन,
क्या करे, ये करे कि ये करे ये करे. सो आई डू रीडिंग, एंजल्स कार्ड रीडिंग एंड रेडिकल करके एक जो एक दूसरा मोडालिटी, उसका भी रीडिंग आई डू. तो इट्स इट गिव्स यू वेरी क्लियर कट आंसर्स, और डिटेल आंसर भी मिलता है, क्लियर कट भी. तो बहुत लोगों का भी मैंने किया इन टच, आई एम वेरी हैप्पी. मेरी जो गुरु है, मैं जिसको मानती हूँ, मनीषा करके है, मैंने जिनसे सीखा है, शी इज अ वेरी यंग गर्ल, शी इज लाइक आई थिंक 30s में है वो, बहुत यंग है ना, अर्ली 30s में. एंड वो इतनी शार्प है, इतनी मतलब माइंड ब्लोइंग है. तो उसने मतलब मुझे बोला, जेनिफर यू आर वेरी गुड एट कार्ड रीडिंग, यू आर, तुमको कुछ करने की ही नहीं जरूरत है. सो आई गेट दोज, यू नो, व्हेन आई रीड द कार्ड, बिफोर दैट आई गेट विजुअल्स, आई गेट आंसर्स, आई गेट, यू नो, इंट्यूटिवली आई गेट ऑल द आंसर्स. एंड इतने ऐप होते हैं कि टच वुड, अभी तक जितने क्लाइंट्स थे उनका कहना था कि माय गॉड, हाउ कैन यू, यू नो, इतना कैसे ऐप हो सकता है. मैंने कहा आई डोंट नो, लाइक दिस इज समथिंग वेरी, यू नो, मुझे मालूम नहीं था, वो अपने आप हुआ. तो वो शायद वो धीरे धीरे एक प्रोसेस ही था, इतने सालों से जो चल रहा था, धीरे धीरे एक प्रोसेस ही आया कि अभी मुझे इसमें करना था. दिस इज सो सो ब्यूटिफुल. एंड यू नो, आई मीन एक्चुअली व्हेन यू आर टेलिंग मी नाउ, आई रियलाइज दैट व्हेन आई, मैंने भी जब बात करना शुरू किया, सो आई फेल्ट, यू नो, दैट अ वेरी वार्म एनर्जी. व्हाई, जब मैंने बात करना शुरू किया तब तो मुझे नहीं पता था कि आप कार्ड रीडिंग करती है, बट सो अमेजिंग. सो आई टोटली बिलीव इन एनर्जी, आई एम अ वेरी, यू नो, वाइब्रेशन और एनर्जी को मैं बहुत मानती हूँ. मतलब अगर या इफ आई फील सामने वाले की एनर्जी गड़बड़ है, यू फील दैट उसका ऑरा गड़बड़ है, आपको एनर्जी से फील हो जाएगा, आपका और उसका ऑरा टच होएगा. हाँ, आई जस्ट कट द कॉर्ड एंड आई जस्ट मूव ऑन फटाक से. तो अभी अभी आई जस्ट जब तारक मेहता मिला, द वेरी फर्स्ट, यू नो, एक्सपीरियंस, इनिशियल एक्सपीरियंस, शुरुआती एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, बिगिनिंग का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, या मे बी यू नो शूटिंग का पहला दिन, या ऐसा कुछ, इफ यू कैन शेयर. पहला दिन शूटिंग का पहला दिन तो हम लोग अभी भी, आज भी अंबिका सोनालिका में हम लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि इट वाज, आई रिमेम्बर, सेकंड ऑफ जुलाई 2008 को हमने फर्स्ट शूट किया था हमारा. ऑल अदर कास्ट एक्सेप्ट दिलीप जी का शूट हो चुका था, और आई थिंक शैलेश जी का हो चुका था. इसके अलावा हम सब बाकी लोगों का उस दिन शूट था. तो बसरा स्टूडियो है यहाँ कांदीवली में, उधर पे था हमारा शूट. कोर्ट का सीन था, जो तारक मेहता में भी पहला एपिसोड है, वो कोर्ट का सीन था हमारा शूट. और हम सब साथ में मेकअप रूम में बैठे थे, ऑल लेडीज, एक छोटा सा मेकअप रूम था, उसमें हम सात छह और लेडीज. एंड हेलो, तो दिशा बस को मैं थोड़ा बहुत जानती थी, टीवी पे देखा था, दैट्स इट. बाकी तो सब न्यू थे. हेलो 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 हुआ ये वो, तो दैट वॉज गुड, एक वार्म, एक थोड़ा सा. पर वो जो पहले ही दिन हमारी जो एक ना जम गए, हमारी जैसे जम गए हो जाते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग ऐसे आज भी बोलते हैं यार, वी डोंट, खास करके अंबिका और मैं, तो बाप रे, वी आर मैड. हम तो हम एक दूसरे को चंगू मंगू बोलते हैं एवरी सिंगल डे, चंगू मंगू हमारा ऐसे चलता है, अंबिका और मैं. लेकिन हम दोनों तो इतना फिर बातें उस टाइम पे थोड़ा कम पे रहते. फिर तो जो हुआ है अभी, तो एक सबसे, यू नो, अलग ही वो है. तो एक तो वो याद है कि जिस तरीके से हम जेलवेल हुए थे, और पहले तो इतना आइडिया नहीं था कि तारक मेहता इतना हिट हो जाएगा एंड एवरीथिंग. तो मुझे याद है नवंबर में मैं जम्मू अपना वैष्णो देवी गई थी, और एक दो जगह और गई थी, तो वहां पर किसी ने पहचाना मुझे, आके बोला आप रोशन भाभी है ना. मैं ऐसे थी, ये मेरे को पहचानते कैसे पहचानते यार, ऐसा था मेरा. I was like, सच्ची में पहचाना, कैसे पहचाना, मतलब I did not have any idea, क्योंकि हम तो शूटिंग में घर में कुछ इतना आइडिया नहीं था. उसके बाद से वो धीरे धीरे जो पिकअप हुआ, बिकॉज वो वर्ड ऑफ माउथ वो पहुंचता है ना, जैसे भी लोगों को पसंद आया होगा. फिर तो था वो जो एक स्टार्ट हुआ, तो यू नो, हर एक जन भगवान की दया से सब जानते हैं, सब प्यार देते हैं, और क्या चाहिए लाइफ में यार, पैसे बहुत कमाए जा सकते, प्यार मुश्किल से मिलते लोगों को. ट्रू, वेरी ट्रू. दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल. वाओ, वी आर ब्लेस्ड ओनली बिकॉज़ लाइक यू दैट. तारक मेहता में काम करने का सबसे सबसे बड़ा फायदा यही है कि पैसे इंडस्ट्री के सब लोग कमा रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा कमाते होंगे, बट ये ना जो प्यार जेन्युइनली मिलता है ना,
वो सबसे बड़ी बात है इसमें। एक चीज और भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाइक यू नो बिकॉज ये थोड़ा सा फैंस का भी, आई अंडरस्टैंड फैंस के भी अपने एक इमोशंस होते हैं विद कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी प्ले करके जो चले गए, पर सबकी अपनी लाइफ होती है ना। सबको अभी 12 साल इज अ बिग टाइम, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है किसी को कि नहीं यार अभी कुछ और करें, कुछ और करें, व्हाटएवर जो भी उनके लाइफ की चीज होगी तो वो उनको करना है, अभी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो दैट लाइफ इज लाइफ चेंजेस एवरी मोमेंट, सो वी हैव टू कीप एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। प्लस अगर आप सोचोगे कि 12 साल पहले जैसा, 10 साल पहले जैसे एपिसोड हो, तो अभी वो जितनी स्टोरीज थी वो सब हो चुकी हैं, सो इट विल नॉट बी ना वैसे not उससे कंपेरिजन करने से मतलब ही नहीं होगा। अभी हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि इसको ना जितना एंटरटेनिंग, इतनी मेहनत होती है इसके पीछे। आसिफ जी हर स्क्रिप्ट राइटिंग वो खुद पूरा ध्यान देते हैं स्टोरीज पे, जितने क्रिएटिव हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, एक्टर्स फिर पूरा एक एक चीज इनपुट देते हैं। सो इतने लोगों की मेहनत बन के सीरियल बनता है। एडिटर्स हैं, वो पूरा जिस तरीके से एडिटिंग करते हैं, इतनी सब मेहनत होती है यार। हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, वो चीज कितनी ना, आप बोलोगे अगर कि नहीं पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है, तो ऐसे तो पहले तो हमारी लाइफ में कौन सी चीज पहले जैसी है? हम भी तो चेंज हो रहे हैं ना, 10 साल 12 साल पहले हम भी एक अलग थे, आज अलग है। हर एक साल में हमारी थिंकिंग, हमारी सब चीज चेंज हो जाती है। तो नेचुरली अगर आप सोचोगे कि तारक मेहता वैसा हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर इज कमिंग, जो ना अच्छी चीज है अपन उसमें से पिकअप करें तो दैट विल बी बेटर। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सेड। थोड़ा गुजराती हमने संभळावी दो, पछी आई थिंक आई लेट यू गो, कारण के तमारू गुजराती तो हमारे सांभळवू पड़शे। तू बोलो बोलो, तमे केटलू गुजराती भाषा नो उपयोग केटलो करो छो? મારી તો મારી મારા પપ્પા પારસી હતા, ઓકે, માય હોલ પેટર્નલ ફેમિલી દે આર પારસી. મારી મમ્મી માય એવન ક્રિશ્ચિયન છે, ઓકે, સો દે હેડ અ લવ મેરેજ. તો મેર્યા તો લટ એ ના મારા તા લવ મેરેજ નું લાઈન છે બધું, મારા નાના નાની લવ મેરેજ. માય નાના વોઝ એંગ્લો ઇન્ડિયન, માય નાની વોઝ હિન્દુ. My mom, wow. Papa was Parsi, my mama is Christian. I am Parsi, my husband is Hindu. So full cocktail family che. So yeah, to pan jare fui ne kaka ne mari bapai e loko jare gher ma jarver, I think till I was 16 years, that till that time e loko hata, to Parsi ma j baat karvani to compulsory hati ki nahi Parsi ma baat karu. U sauthi motti, hum loko char bhai ben che, to u sauthi motti, to mane you know I picked up more from my relatives, and kai ke mare badha relatives stay in Mumbai, so my kaka and my bua and fui badha they stay in Mumbai, to wo e loko ne sathe to Parsi ma compulsorily you have to talk to them in Parsi, otherwise they to mari fui jo che to ekdam are baap re to ekdam bhadki jaye, kem Parsi ma kem nahi baat karti, ha Parsi ma baat nahi kiti to tane jo batau tane. એવું તો એકદમ, તો હું તો એવનથી બહુ ભીયું. અધરવાઇઝ આઈ એમ લાઈક યુ નો, અભી કઈ કે તારક મહેતામાં પણ કેટલા એક્ટર્સ પણ ગુજરાતી છે, યુનિટ મેમ્બર્સ ગુજરાતી છે, લાઈક ડાયરેક્ટર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ, એડીઝ એન્ડ રાઇટર્સ, ક્રિએટિવ બધા એ લોકો ગુજરાતી છે. તો ત્યાં પણ કેટલી વખત અમે લોકો ગુજરાતીમાં ડિસ્કશન કરીએ, તો હવે મને તો આવડે છે તો હું કરું, પણ આઈ એમ નોટ વેરી ફ્લુએન્ટ ઇન ગુજરાતી ઇફ યુ કેન સે, બટ હા આઈ જસ્ટ યુ નો ટ્રાઇડ કે જેટલી આવડે. હા ક્વાઇટ વેલ, યુ મેનેજ ઇટ ક્વાઇટ. ઘણું વાત ઘણું એમ, મતલબ જેસે આઈ કેન રીડ ઓલસો ગુજરાતી, કારણ કે નલપનમાં મારે બપ્પાઈ બોલતી હતી કે શીખી લે એમ ના એમ કરીને, તો આઈ કેન રીડ, આઈ કેન નોટ રાઇટ બટ આઈ કેન રીડ ઓલસો, સો દેટ્સ એક એડિશનલ લેંગ્વેજ છે, દેટ્સ ગુડ. ઓફ કોર્સ ઓફ કોર્સ, દેટ્સ ઓલવેઝ હેલ્પ. That always helps. Yes. Wow, this is amazing. Bahut 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 maja padi tamari sathe vaat karvani. Thank you so much. Tame agree thaya live mate tamara busy schedule mathi tame aavya. તમે વાત કરી, બહુ બધું જાણવા મળ્યું, અને ઓફકોર્સ એઝ વી હેડ ડિસ્કસ કે આપણે શો વિશે ઓછામાં ઓછી વાત કરીશું, એટલે અમે તમને ઓળખી શક્યા. हम आपके बारे में बहुत कुछ जान सके, आपका कथक, आपकी लव स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे ट्रस्ट में आज इंटरव्यू में मजा आया, बिकॉज क्या होता है जितने इंटरव्यू लेते हैं ना, फिर वो सिर्फ तारक मेहता के बारे में जानना चाहते हैं, तो आई जस्ट गॉट बोर्ड कि बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती यार, सो इसलिए मैंने लाइव आना बंद कर दिया. मुझे कितने बार बहुत सारे फैंस हैं,
वो मुझे कितनी बार लाइव के लिए बोल चुके हैं। मैंने बोला यार मैं नहीं, मैं पक गई हूँ। तो मैंने दर्शिका को सबसे पहले यही बोला था, मैंने कहा यार मुझे ना आप करो थोड़ा बहुत तारक मेहता के बारे में बात करो, बट यू नो इट्स लाइक आई हैव टू, मैं सेम चीज हर लाइव में सेम चीज बोलूंगी, मत क्या मजा आएगा, फैंस को भी क्या मजा आएगा। हम आपको जान पाए, आपकी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हमें पता चली, और वी आर सो 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 हैप्पी दैट वी कुड कनेक्ट एंड वी कुड टॉक। थैंक यू सो मच फॉर दिस जेनिफर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू, एंड थैंक्स थैंक्स टू ऑल द फैंस, आप सबकी वजह से हम हैं भाई, एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। सॉरी मैं इतने क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती, आई एम ट्राइंग टू रीड, आप जब इसको लाइव अपलोड करोगे उस टाइम पे मैं सबके क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगी, बिकॉज अभी वो इतना फास्ट स्क्रॉल हो रहा है, सो आई कैन नॉट इवन सी, सो आई एम श्योर जो भी आपको बहुत सारा प्यार है आपके लिए, देयर आर लॉट ऑफ हार्ट एंड लॉट ऑफ लव, एंड दैट्स व्हाट आई एम कंटीन्यूअसली हार्ट दिख रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for staying here in the and you know coming in live, and thank you, aise hi apna pyar dete rahiye, thank you Chirantana, okay you. Thank you so much Jennifer, thank you, bye 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 bye। सो दोस्तों આપણે વાત કરી જેનિફર મિસ્ત્રી બંસીવાલ સાથે, અને તમે આ લાઇવ ઇન્ટરવ્યુ ફરી ગુજરાતી મીડિયાના પેજ પર જઈને જોઈ શકો છો, અને જોતા રહો જોડાતા રહો અમારી સાથે, ફરી મળીશું કોઈ નવા મહેમાન સાથે, ત્યાં સુધી મને ચિરંતના ભટ્ટને રજા આપશો, આવજો, બાય, see you।